रायबरेली लालगंज के खजूर गांव के रहने वाले लक्ष्मी शंकर ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। वह तहरीर देकर अपनी जमीन पर दबंगों द्वारा कुटचरित तरीके से बैनामा किए जाने की बात कही है। लक्ष्मी शंकर वर्तमान में जवाहर विहार कॉलोनी मलिक मऊ थाना मिल एरिया में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि मैंने 1985 में एक जमीन खरीदी थी जिस पर हमारी दुकान व एक कमरा बना हुआ था। कुछ दिन बाद मैं वहां गया तो दबंगों द्वारा मेरी जमीन को लेकर षड्यंत्र रचकर फर्जी तरीके से अपने नाम कर ली गई। लक्ष्मी शंकर ने यह भी आरोप लगाया कि 26 अगस्त को रात 10:30 पर सभी दबंगों द्वारा प्रार्थी के मकान दुकान का ताला तोड़कर रिहायशी सामान लगभग 2 लाख रुपए गायब कर हड़प कर लिया गया तथा जबरिया अपना ताला लगा दिया गया है। प्रार्थी के मना करने पर दबंगों द्वारा उसके पूरे परिवार को जान से मार डालने की धमकी दी जा रही है। और एक कमरा बनवा के रखा है, उसमें रहते थे। आज मेरी दुकान हमेशा प्लाई की दुकान है, हमेशा खुलती है। और जो बेचा था वो तो ख़त्म हो गया। उसका जो नाती है उसने कृष्ण कुमार साहू के नाम बैनामा कर दिया है और वो हमको घर से निकाल रहा है, रहने नहीं दे रहा। हम लोग कहाँ पे जाएं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।